नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आई हुई मैसेज का मैं रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। राधे जी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है, दादा मेन गेट नॉर्थ का तो भल्लाट और सोम के पद में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट वैदिक वास्तु के हिसाब से। आपके विचार क्या हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेन गेट मैं नॉर्थ ईस्ट में क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मेन गेट लगने से घर का नॉर्थ ईस्ट का भाग हमेशा के लिए खाली हो जाता है। और जब नॉर्थ ईस्ट का भाग खाली होता है तो घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली आती है। और नॉर्थ ईस्ट के भाग से घर से बाहर जाना, घर के अंदर आना, वो हमेशा ही खुशहाली देता है, मान सम्मान भी देता है, परिवार में बढ़ोतरी भी देता है। और घर के अंदर कोई भी बड़ी तकलीफ आनी होती है तो वो तकलीफ भी बड़े आराम से निकल जाती है, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट में मेन गेट बनता है और मेन गेट के ठीक सामने कभी भी कोई भी सामान नहीं रखा जाता। हाँ, सोम और भल्लाट के पद पर भी आप अपना मेन गेट बना सकते हैं, क्योंकि ये पद दोनों ही नॉर्थ सेंटर यानी उत्तर दिशा के मध्य भाग में आते हैं और मध्य भाग का डोर भी मेन गेट भी हमेशा ही अच्छा माना जाता है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मेन गेट नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। भल्लाट और सोम का गेट हमेशा ही अच्छा माना जाता है, तो इसलिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप सेंटर में गेट लगाना चाहे तो सेंटर में भी गेट लगा सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में गेट लगाना चाहे तो नॉर्थ ईस्ट में भी गेट लगा सकते हैं। जब आप सेंटर में मेन गेट लगाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में मेन गेट नहीं लगाते, तो बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपने स्टोरेज नहीं बनानी है, एक्स्ट्रा सामान, परमानेंट सामान कभी भी नहीं रखना है। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। आप अपना मैप हमारे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 450+ वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप भी अपने किसी साइट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। नमस्कार।